जबरदस्त फिश मिल गई है हमें। मैंने सबसे पहले इसको नमक लगा के थोड़ा सा अजवाइन लगाई है और इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। थोड़ा सा मैंने विनेगर भी डाला था इसमें। 10-15 मिनट रखने के बाद इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। अब मैं इसको मसाला लगाने लगी हूँ। अभी फिश कोटिंग करनी है हम लोगों ने, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए 2 से 3 टेबल स्पून योगर्ट। पहले भी मैंने फिश फ्राई बताई हुई है, अभी मैं थोड़ा सा चेंज करके बनाने लगी हूँ। फिश मसाला 3 टेबल स्पून फिश मसाला, 3 टेबल स्पून योगर्ट, 2 से 3 टेबल स्पून वाइट फ्लोर मैदा, 2 टेबल स्पून गार्लिक अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ। नमक अपने जायके के हिसाब से लीजिएगा, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है क्योंकि फिश मसाला में भी नमक होता है। 4-5 टेबल स्पून बेसन, 1 टी स्पून ले लें या 1/2 टेबल स्पून अजवाइन पिसी हुई। उसके बाद हम ग्रीन चिली लेंगे पिसी हुई 4-5 टेबल स्पून, जितना आपने स्पाइसी रखना है। लाल मिर्च मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। लेमन जूस और विनीगर ये ले लें 3-4 टेबल स्पून। अब मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं डालूंगी योगर्ट 3 टेबल स्पून, उसके बाद मैं डालूंगी सॉल्ट 1 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून मैदा, 3 किलो फिश है, 4 टेबल स्पून 3 से 4 टेबल स्पून ये ले रहे हैं 3 टेबल स्पून फिश मसाला, कोई सी भी ब्रांड का ले लें। फिश फ्राई मसाला लेना है आपने, ओके, फिश करी मसाला नहीं। गरम मसाला और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून विनीगर 3 टेबल स्पून अजवाइन 1/2 टेबल स्पून बेसन 4 टेबल स्पून या 1 कप ले लें 1 कप। उसके बाद मैं डालूंगी ग्रीन चिली, किसी भी ग्रीन चिली 1-4, ठीक है, जितना आपने स्पाइस रखना है। अभी मैं इसको करूंगी सबसे पहले मिक्स। थोड़ा सा पानी डालना पड़ा मुझे,
बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरह से ये देखिए थिक सा मसाला बनाना है, बहुत पतला नहीं करेंगे हमें। अब मैं फिर इसके ऊपर कोट करती हूँ इनको। देखिए मैरिनेट करने के लिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अभी मैं क्या करूँगी, वन बाय वन इसको लेती जाऊँगी और इस तरह से कोटिंग करके रखती जाऊँगी। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी मैरिनेट हो गई है, बहुत ज़बरदस्त मसाला लगा है इसको। अभी मैं इसको एक दिन के लिए रखूँगी, इसको मैं ओवरनाइट रखने के बाद फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। और आपको मैंने एक दिन पहले फिश को मसाला लगा के रखा है, कितना ज़बरदस्त इसमें मसाला अंदर तक चला गया हुआ है इसका ना, जो माशाल्लाह से। मैंने बहुत लाइट सी कोटिंग की है इसकी, देखिए बेसन और जो फ्लोर था ना उसको मैंने बिल्कुल लाइट सी इसकी कोटिंग की है। अभी मैं इसको करती हूँ फ्राई, पैन में डालती हूँ ऑयल। ये देखिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गर्म किया, इसको वन बाय वन इनको फ्राई करूँगी, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए और अंदर तक ये अच्छी तरह से पक जाए।